नमस्कार, मैं हूं मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट मंत्र। भविष्य की चिंता को लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो ये चिंता थोड़ी कम हो जाती है। तो आज हम आपके लिए ऐसा ही एक इन्वेस्टमेंट मंत्र लेकर आए हैं जिससे आप अपना और अपने परिवार का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में गवर्नमेंट बॉन्ड सबसे बेहतर विकल्प माने जाते हैं। डेट फंड कैटेगरी में भी ये निवेश सबसे सुरक्षित हैं क्योंकि इनकी गारंटी सरकार लेती है। इन पर एक तय ब्याज मिलता है और इन बॉन्ड्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट्स होने की वजह से इनका रिटर्न ब्याज दरों के हिसाब से तय होता है और ब्याज दरें फिलहाल निचले स्तर पर हैं। महंगाई बढ़ने की वजह से भी इनके बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए स्मॉल सेविंग्स ऑप्शन से बेहतर इनका रिटर्न आपके लिए हो सकता है। आपको बता दें कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। आमतौर पर सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बॉन्ड्स जारी करती है। कई बार सरकार को फंड की जरूरत पड़ने पर भी इन्हें जारी किया जाता है। इन्हें लॉन्ग और शॉर्ट दोनों टेन्योर के लिए जारी किया जाता है। इस तरह के बॉन्ड की मैच्योरिटी का समय 1 से 30 साल का हो सकता है। शॉर्ट टेन्योर की सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल कहलाती हैं, वहीं 1 साल से ज्यादा मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज गवर्नमेंट बॉन्ड कहलाती हैं। अब हम आपको इनमें निवेश करने का तरीका बताते हैं। दरअसल आप इनमें ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। इसके साथ ही आप म्यूचुअल फंड के जरिए भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में अपना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डेट फंड्स इनमें पैसा लगाते हैं, इसीलिए इनमें रिटर्न के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा कई बॉन्ड ऐसे भी हैं जिनमें पिछले 5 सालों में 7 से 12% सालाना तक का रिटर्न मिला है। इसके अलावा 10 साल तक के मैच्योरिटी बॉन्ड भी हैं जिनमें पिछले 5 सालों में 10% के हिसाब से रिटर्न मिला है। वहीं कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो फिलहाल FD पर सिर्फ 6% से भी कम का ब्याज दे रहे हैं। तो अगर सही स्कीम का चुनाव किया जाए तो ये बॉन्ड FD से बेहतर साबित हो सकते हैं। तो ऐसी ही बिजनेस से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए BizTech और हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये इन्वेस्टमेंट मंत्र कैसा लगा।